नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर में। आज हम पपीता पकाने के लिए किस प्रकार से फलों का चयन करना है ये देखेंगे। ये देखिए, अभी ये इस पपीते का कलर हल्का फीका पीला हो गया है। ये अगर दूर की मंडियों में हमें भेजना है तो हम इस प्रकार से फल उतारेंगे, जिससे कि मार्केट तक पहुँचने में 3-4 दिन लग जाते हैं। जब तक इसे पेपर में अच्छी तरह से पैक करने से इसमें काफ़ी हद तक अच्छा कलर आ जाता है, पीलापन आ जाता है। और अगर घर पर हम ये अगर समझो कुछ गार्डनिंग वगैरह में जिनके घरों के आजू बाजू में एक दो पौधे रहते हैं, उन्होंने अगर इसे थोड़ा और पीला होने तक भी रहने दिया और बाद में पेपर में रैप करके अगर रख दिया तो भी यह पक जाता है। अभी हम इसे इस प्रकार से इसे पकाने के लिए किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं रहती है। इसे सिर्फ इस प्रकार से पेपर में रख के इस प्रकार से पेपर में लपेट के रख देना है। अभी इसमें ये 2 से 3 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी 2-3 दिन बाद मैं इसका रिजल्ट भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से पक गई है। तो आइए देखते हैं, 2 दिन पहले हमने पपाया पकने के लिए पेपर में रैप करके रखा था, वो किस प्रकार से पक गया है ये देखेंगे। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन कलर आ गया है इसमें और यह भी खाने योग्य हो गया है। तो अंदर से देखते हैं इसके कलर किस प्रकार से देखिए, बहुत ही बेहतरीन पक गया है और ये प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी है पेपर की। तो आप भी इसे घर पर अवश्य ट्राई कीजिए और आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।